मैं जुनेद खान, यूपी न्यूज़ से। आज़ाद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का परिणाम 100%। छात्र छात्राओं ने मनाई खुशी। जयपुर मीठी कोठी सूरजपोल स्थित आज़ाद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 12वीं कला संकाय का परिणाम 100% रहा है। स्कूल के विद्यार्थी अवैसुद्दीन 82.40%, सानिया 81.40%, इरम खान 80%, नाजिया बानो 78%, सबा अली 77%, फेजिया नाज 75.20%, सबा परवीन 69.60%, रुमाना बेगम 60% अंक प्राप्त किए तथा अंजुम जहां, मोहम्मद शहीर खान, जमीर खान, सोहेल अहमद, समीर अहमद ने भी 12वीं में 6 अंक प्राप्त किए। इस मौके पर विद्यालय संचालन समिति की ओर से विद्यार्थियों को माला पहनाकर सम्मानित किया। संस्था के डायरेक्टर मोहम्मद अशफाक नकवी ने बताया कि 5वीं बोर्ड के सभी विद्यार्थी ए ग्रेड से उत्तीर्ण हुए, साथ ही 12वीं कक्षा के कला संकाय का परिणाम 100% रहा। सभी छात्र एवं छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। विद्यालय में प्रशिक्षित स्टाफ की मेहनत रंग लाई है। यह सभी छात्रों के ऐच्छिक विषयों में विशेष योग्यता के 7 बच्चों को कामयाबी हासिल की है। धन्यवाद। के बारे में बताएं क्या करें। स्कूल की तो सबसे पहले प्रिंसिपल सर हमारा बहुत अच्छा है। ये हमें कभी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाने का तरीका है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं इस स्कूल में। आप किस क्लास में और क्या रिजल्ट रहा? 12th क्लास में 80%। प्रिंसिपल साहब के बारे में बताएं, मैनेजमेंट के बारे में बताएं यहाँ पे। प्रिंसिपल सर हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं। अभी कभी भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है हम इनसे डायरेक्ट बोलते हैं। सर बोलते हैं हमें, मतलब जब हम बोलते हैं उस जब ही हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। सर कभी मना नहीं करते, बहुत अच्छे स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा है। सर ने बहुत अच्छे टीचर्स लगवा रखे हैं। हम लोग तो नर्सरी क्लास से यहीं पढ़ रहे हैं और आगे भी इसका बोलेंगे सबको। आज़ाद स्कूल बहुत अच्छा है, आप सब लोग यहीं एडमिशन लें। प्रिंसिपल सर यहाँ के बहुत अच्छे हैं। आपका नाम बताइए, क्लास बताइए। इरम खान। आज़ाद पब्लिक स्कूल यहाँ का जो पहला बैच है हमारे से ही निकला और ये 12th का बैच है। तो यहाँ पर सब सर ने बहुत मेहनत करी रिजल्ट के लिए और सबका रिजल्ट अच्छा गया है। फर्स्ट डिवीज़न सब पास हुए हैं। सर ने हमेशा पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, हमेशा जो भी हमने काम आ रहा जल्द से जल्द सॉल्यूशन करा है। यहाँ के टीचर ने बहुत अच्छी मेहनत करी हमारे पीछे, इसीलिए हमारा रिजल्ट अच्छा निकल गया है। आपका नाम और क्लास? मेरा नाम सानिया है। क्लास भाई यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में बताएं। सर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सारे टीचर्स अच्छे हैं, हमारे प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में करते हैं। ज़्यादातर पढ़ाई का तो कोई ऐसा मैटर नहीं है जो छोड़ दें, हर चीज़ अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश करते हैं। हम भी बोलते हैं उसकी भी चीज़ को अपनी तरफ से भी हर चीज़ का ध्यान रखा है। कोई टेस्ट लिए ऑनलाइन, कोई दूसरे टेस्ट लिए, क्लास टेस्ट लिए, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई, तो कहीं ना कहीं सर क्या है हमारे पीछे ज़्यादा रोल है। सर अभी कौन सी क्लास से आप पढ़ रहे हो और आगे कहाँ कौन सी क्लास में पास हुए हैं और कौन सी क्लास कहाँ क्या मैनेजमेंट है आपका, कहाँ जाना चाह रहे हैं क्या? अभी इसी स्कूल से 12th क्लास पास की है इसी बैच से। मैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी करूँगा सर, जो भी ग्रेजुएशन से पहले के 12th पास जो भी एग्ज़ाम होते हैं सब उसकी तैयारी करूँगा। आपका नाम और क्लास? मेरा नाम है क्लास। इस एरिया में सबसे अच्छा हमारा स्कूल, हमारे प्रिंसिपल इस स्कूल के बहुत अच्छे हैं। सारे हमारी पढ़ाई में उन्होंने बहुत ध्यान रखा है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे प्रिंसिपल ने किया। हमारा रिजल्ट जो भी गया वो हमारे प्रिंसिपल की वजह से गया है। हमारे एक्स्ट्रा क्लास से क्लास टेस्ट वगैरह सारे टीचर्स का अच्छा इंतजाम करवाया और सारे टीचर अच्छे हैं। आपके स्कूल के बहुत अच्छे अध्यापक हैं, सब ने हमारा साथ दिया, सब ने प्रिंसिपल ने भी हमारा साथ दिया, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया। आपका नाम और क्लास? मेरा नाम फैजान है, फर्स्ट क्लास में। हमारे फर्स्ट बैच है, हमारे प्रिंसिपल सर मोहम्मद अशफाक बहुत अच्छा है। यहाँ का सारा मैनेजमेंट अच्छा है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सारे हमारी हेल्प करते हैं, हमारे टेस्ट चलते हैं और प्रैक्टिकल वगैरह भी सब में ध्यान दिया गया है। आपका नाम और क्लास? नाजिया बारी, क्लास 12th। 12वीं के रिजल्ट के बारे में बताएं और स्कूल के रिजल्ट के बारे में बताएं। मैं मोहम्मद अशफाक नकवी, डायरेक्टर आज़ाद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अभी हाल ही में जो स्कूल के जो रिज़ल्ट आए हैं उनमें 12th बोर्ड के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें माशाल्लाह सब बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं और हमेशा हमारे 10th बोर्ड का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। गत वर्ष भी हमारे जयपुर शहर का सबसे टॉप रिज़ल्ट रहा है और हमारे बच्चों की लगन और अध्यापकों का पढ़ाने का जो तरीका है वो स्कूल के जो डिसिप्लिन का जो तरीका है, मेथड है, अल्लाह का शुक्र है उसी का नतीजा है कि हमारे बच्चे अच्छे पास हुए हैं। और आने वाले वक्त में भी उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे मेरिट में आने की कोशिश करेंगे और स्टाफ का भी हमारा भी यही श्रेय। आपके स्कूल के अंदर क्या क्या मूल सुविधाएं दी जा रही हैं? हमारे स्कूल में अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बैठने की सुविधा पूरी है, पढ़ाने की सुविधा पूरी है, कोर्स को हम 3 बार तक रिवाइज़ करवाते हैं और
मेहनत ये करते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास भी लगाने की, तीन तीन महीने तक एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं और बच्चों के पढ़ने के लिए हर कमरे में ये वाच करने के लिए कि हर कमरे में हमने कैमरे लगा रखे हैं, पानी की सुविधा है, वाटर कूलर लगा रखे हैं, किसी भी तरह की कोई अल्लाह का शुक्र कमी नहीं है। जितना हम बच्चों से ले पाते हैं उससे अच्छा हम यहाँ पर संसाधन प्राप्त करवाते हैं और यही हमारी उपलब्धि है कि इसी शिक्षा और पढ़ाई की वजह से ही हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं और कोशिश ये करेंगे और इससे अच्छी सुविधा देने की जिससे और अच्छा रिजल्ट हमारा रहे। आपका परिचय? मैं मोहम्मद अशफाक तकवी, आज़ाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल का डायरेक्टर, और ये हमारे साथ में खड़ी है हमारे संस्थापक जो हमारी शाकिरा नकवी, और ये इन्होंने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सहयोग दिया है और ख़ास करके हमारे सारे स्टाफ जिन्होंने तन मन धन से अच्छी मेहनत की है और स्कूल में लगन से बच्चों ने भी पढ़ाई की है, उसी का नतीजा आपके सामने है जो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं।